आप लोगों को पता ही होगा कि विंटर सेमेस्टर के लिए एप्लीकेशंस ऑलमोस्ट हर जर्मन यूनिवर्सिटीज में स्टार्ट हो गया है. सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेरे पास रेगुलरली इंस्टाग्राम में आता है इज दैट व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स दैट दे नीड टू कलेक्ट. सो आज मैं इस बारे में बात करना चाहूँगी. Hello everybody, welcome back to my channel. I'm Shramana Das and I make videos on higher education in abroad, lifestyle in Germany and much more. So if you like this sort of content, please do consider subscribing, like this video and share this video. So in today's video, I'm going to talk about whatever documents that will be required for starting your application in any German university. So without any further ado, let's get started. पहला एंड इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको कलेक्ट करना पड़ेगा वो है आपकी डिग्री सर्टिफिकेट. तो जनरली तो सबके पास डिग्री सर्टिफिकेट होती ही होती है, बट अगर आपके पास नहीं है देन गो टू योर कॉलेज एंड कलेक्ट इट. और अगर आप अभी भी फोर्थ ईयर में हो या योर लास्ट सेमेस्टर, तो आप आपकी प्रोविजनरी डिग्री सर्टिफिकेट भी यूनिवर्सिटी से ले सकते हो. एंड प्लीज रिमेंबर गाइज कि चेक कर लेना रिक्वायरमेंट्स जनरली यूनिवर्सिटीज के. कभी कभी ये लोग सर्टिफाइड डिग्री डिग्री भी मांगते हैं. सो प्लीज बी श्योर कि यू समटाइम्स हैव टू गिव सर्टिफाइड कॉपी ऑफ योर डिग्री टू द यूनिवर्सिटी. नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो गया वो है ट्रांसक्रिप्ट. सो बेसिकली ट्रांसक्रिप्ट क्या होता है? ट्रांसक्रिप्ट इज नथिंग, इट्स बेसिकली ऑल योर ग्रेड्स जो आपको एक पेपर में लिख के आएगा. पॉसिबल होगा तो मैं यहाँ पे अपनी ट्रांसक्रिप्ट का एक फोटो डाल दूंगी. तो जनरली यूनिवर्सिटीज एक मिनिमल अमाउंट लेता है फॉर योर ट्रांसक्रिप्ट. लाइक माई यूनिवर्सिटी आई हैव टू पे 500 rupees आई गेस फॉर ईच ट्रांसक्रिप्ट. एंड आई थिंक एक या दो कॉपी ऑफ ट्रांसक्रिप्ट इज एनफ फॉर मल्टीपल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस. या तो इससे ज़्यादा जनरली चाहिए नहीं होता है. सो यू हैव टू जनरली अप्लाई टू योर यूनिवर्सिटी एंड आस्क देम दैट यू नीड ट्रांसक्रिप्ट फॉर योर हायर डिग्री एप्लीकेशन एंड दे विल प्रोवाइड इट टू यू. सो इट्स वेरी इजी टू गेट. द नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है वो है आपका आईएलटीएस सर्टिफिकेट. तो अगर आपकी यूनिवर्सिटी में आईएलटीएस मांगा है तो आपको आईएलटीएस देना पड़ेगा. एंड देने के ऑलमोस्ट वन मंथ बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगी विच यू हैव टू विच अगेन यू हैव टू सबमिट व्हाइल अप्लाइंग फॉर योर कोर्स. बट याद रखिएगा सारे ही डॉक्यूमेंट सर्टिफाइड कॉपी होनी चाहिए, कुछ भी ओरिजिनल मत भेजिएगा. नेक्स्ट जो आता है वो है मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन. तो कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज में आईएलटीएस के बिना भी आप अप्लाई कर सकते हो. इन दैट केस आपको मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन की सर्टिफिकेट दिखानी पड़ेगी. व्हाट इज दिस? सो दिस इज बेसिकली अ डॉक्यूमेंट व्हिच विल शो दैट योर एजुकेशन टिल डेट इज डन ओनली इन इंग्लिश. तो आपकी जो बीटेक या आपकी जो प्रीवियस जो भी 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन है वो इंग्लिश में हुआ है. सो दिस सर्टिफिकेट विल बेसिकली वाउच फॉर दैट. अगेन आपको मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन आपको आपकी डिग्री कॉलेज से मिल जाएगी. आपको आई थिंक एक एप्लीकेशन करना पड़ेगा, एक फीस डालना पड़ेगा एंड यू विल गेट इट. बट अगेन आप आपकी खुद की रिसर्च कर लीजिएगा, अपनी यूनिवर्सिटी में पूछ लीजिएगा कि व्हाट इज देयर प्रोसेस. नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज योर SOP और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस. सो गाइज प्लीज रिमेंबर SOP आपको आपकी डिफरेंट कोर्स एंड डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के लिए अलग अलग बनानी पड़ेगी. डोंट गिव अ सिंगल SOP टू ऑल योर यूनिवर्सिटीज और कोर्सेज, इट विल बी स्ट्रेट रिजेक्टेड. यस. एंड कैसे SOP लिखना है अगर आपको जानना है, आई विल पुट द लिंक, आप प्लीज देख लीजिएगा. आई हैव मेड अ डिटेल्ड वीडियो ऑफ हाउ टू राइट अ SOP एंड यू विल बी एक्सेप्टेड. सो या यू कैन गो एंड चेक इट आउट. तो आफ्टर SOP जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन. तो काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज में एंड कोर्सेज में आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लग सकता है एंड काफ़ी सारी कोर्सेज में नहीं लगती है. सो यू हैव टू चेक दिस. बट व्हाट इज लेटर ऑफ रिकमेंडेशन? लेटर ऑफ रिकमेंडेशन एक लेटर होती है आपकी प्रोफेसर या आपकी एम्प्लॉयर से जो वाउच करता है कि यस दिस स्टूडेंट इज रियली गुड
and he is eligible, or I am like putting a guarantee that he is eligible to study in your university, or he will be a better fit for this course to your university. So basically letter of recommendation ye kaam karta hai. It's basically recommend you by your professor or your employer. लेटर ऑफ रिकमेंडेशन में आप काफी अच्छे से लिखिएगा. नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है या डॉक्यूमेंट आता है वो है आपकी ग्रेड शीट. तो जनरली तो ट्रांसक्रिप्ट से ही हो जाता है, बट या जस्ट इन केस आपकी ग्रेड शीट भी साथ में रखिएगा. इसके बाद जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट आता है वो है आपकी वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट. आपकी अगर कोई अवार्ड्स या आपने कोई पेपर पब्लिश की हो, या आपकी कोई कंपटीशन में आप जीते हो, आपने कोई वॉलंटरी सर्विसेज में आपने हिस्सा लिया हो, इन सब की जो सर्टिफिकेट है आप उनकी भी एक कॉपी बना लीजिएगा. एंड इन केस कुछ कुछ एप्लीकेशंस में आपको लग भी सकता है, एंड इन दैट टाइम यू कैन एक्चुअली सबमिट दिस सर्टिफिकेट. जो आता है वो है GRE और GMAT. अगर आपकी कोर्स में GRE GMAT मैंडेटरी है या ऑप्शनल है, या आपने खुद से दिया है GRE या GMAT, देन उसकी भी जो स्कोर कार्ड है उसका सर्टिफाइड कॉपी आपको देना पड़ेगा. इसके बाद जो है वो है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी. कुछ कुछ जर्मन यूनिवर्सिटीज में, स्पेशली जर्मन टॉट प्रोग्राम्स में, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट मांगते हैं. लाइक इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन जर्मन टॉट प्रोग्राम तो आपको B2 या C1 जर्मन प्रोफिशिएंसी की सर्टिफिकेट दिखानी पड़ेगी, विच नीड्स टू बी डन फ्रॉम गोथे इंस्टीट्यूट. तो आपको वो सबमिट करना पड़ेगा. और जो लास्ट डॉक्यूमेंट है विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इट्स योर VPD. सो वॉट इज VPD? VPD बेसिकली आपको UNISS से मिलता है. जो आपकी जो BTEC या आपकी बैचलर्स का जो स्कोर है उसको ये लोग जर्मन ग्रेड में कन्वर्ट करते हैं, एंड दे विल गिव यू बेसिकली अ डॉक्यूमेंट नोन एज VPD, जिसमें लिखा रहता है कि हाँ आपका जो मार्क्स है या आपका जो डिग्री है वो जर्मन एलिजिबल है या जर्मन कंपेरेबल है, एंड आपकी जर्मन ग्रेड इस हिसाब से इतना होता है. एंड यू हैव टू सबमिट दिस VPD इन ऑलमोस्ट आई थिंक 90% ऑफ योर यूनिवर्सिटीज. सो बेसिकली दिस आर द डॉक्यूमेंट्स दैट hands on जब भी आप application start करोगे. So guys, I will suggest you कि before starting your application ये सारे documents को तो आप इकट्ठा कर ही लो. इसके बाद आप देखो कि आप जो जो कोर्स में अप्लाई कर रहे हो उसमें क्या requirements है, और उस हिसाब से आप अप्लाई करो. तो अगर आप ऐसे अप्लाई करते हो ना, it will be very very easy for you. And yeah, that's all for today. Let me know कि अगर कुछ भी documents छूट गया हो, and how did you like this video. And yeah, that's all. Bye-bye. Stay happy, stay blessed.